फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ का मौसम आज किस तरह से है। तो देखिए काफ़ी अच्छा मौसम किया हुआ है दोस्तों। तो अभी जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चना भिगो के रखे हैं और कल रात को भिगो के रखे थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे काबली चना फुलाए हैं और रात को भिगो के रखे थे, तो ये अच्छे से फूल गए हैं। अब इसे सीझने के लिए चढ़ाएंगे दोस्तों और इसी का आज सब्जी बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे काबली चना को सिझा के रखे हैं और कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं और तेल गर्म हो गया है। अब इसमें प्याज को डाल देंगे दोस्तों। तो प्याज को अच्छे से भुनेंगे थोड़ा सा लाल करके। और यहाँ पे टमाटर काट के रख रहे हैं। तो दोस्तों प्याज लाल हो गया है और काफ़ी गर्मी भी लग रहा है बनाते टाइम। अब इसमें मसाला को डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं, और इसे भुनेंगे थोड़ा सा। तो मसाला अच्छे से भुन गया है दोस्तों। अब इसमें चना को छान छान के डालेंगे। आप पानी को बाद में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा भुनने के बाद डालेंगे। तो सारा चना को डाल दिए हैं दोस्तों। अब इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। और देखिए यहाँ पे सब्जी भी बन गई है और यहाँ पे आटा निकाले हैं पूड़ी बनाने के लिए। तो पूड़ी का आटा थोड़ा सा टाइट लगाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा से सब्जी बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इतना सारा पूड़ी बेल के रखे हैं और बेल के रखने से छानने टाइम आसान होता है और तुरंत ही बन जाता है। तो तेल भी गर्म हो गया है। और देखिए दोस्तों कितना अच्छा से पूड़ी बन रहा है। तो इतना बना के रखे हैं दोस्तों। तो देखिए कितना अच्छा से फूल भी रहा है और कितना अच्छा से पक रहा है। तो देखिए दोस्तों इतना सारा बना लिए हैं पूरी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे निकाल लिए हैं और अभी नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों नाश्ता कर लिए हैं और अभी दिखा रहे हैं कितना तेजी से बारिश हो रहा है। तो दोस्तों बाहर में बारिश हो रहा है, तो काफ़ी तेज से बारिश हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे रखते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं और तब तक के लिए बाय।